हरे कृष्णा। एक बार रावण नारद मुनि के पास गए और निवेदन किया कि मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। नारद मुनि का दिव्य ज्ञान के लिए उचित मानसिक रवैया आवश्यक है, आपके अंदर वो दिखता नहीं। रावण क्रोधावेश में आके झल्ला कर चिल्लाने लगे, मैं कह रहा हूं मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए, ये मेरा आदेश है। नारद मुनि कहते हैं, दिव्य ज्ञान इस प्रकार जबरदस्ती नहीं दी जाती। रावण को इतना क्रोध आया, उसने अपना तलवार निकाली और तलवार निकालकर नारद मुनि के गले में रख के कहते हैं, दिव्य ज्ञान दोगे कि मैं तुमको समाप्त कर दूं। नारद मुनि कहते हैं, अरे रावण, आपकी ये करतूत इस बात का प्रमाण है कि आप दिव्य ज्ञान स्वीकार करने के योग्य नहीं। रावण इतना परेशान हुए, इतना क्रोधावेश में आ गए कि उस तलवार को लेकर उन्होंने नारद मुनि के ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने अपेक्षा की कि तलवार नारद मुनि को समाप्त कर देगा, लेकिन तलवार नारद मुनि के दिव्य देह को आर पार कर गया। रावण के लिए ये बड़े विस्मयजनक बात थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत से युद्ध किए थे, लेकिन कभी इस प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया कि आपका ये शरीर देह किसका बना हुआ है? नारद मुनि ने कहा, यह सच्चिदानंद घन है, दिव्य है। रावण ने कहा, मुझे भी ऐसा दिव्य देह चाहिए। नारद मुनि ने कहा, आसान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लीजिए, उनके ऊपर ध्यान कीजिए, संभव है। रावण तुरंत उत्तेजित होकर क्रोधावेश में आके विकराल स्वर में चिल्लाने लगे, असंभव है, मैं उनके सामने कभी नहीं झुक सकता। रावण ने अपने जीवन पर्यंत भरपूर प्रयास, प्रयत्न, तपस्या से शक्तियों को अर्जित किया था। शिवजी के सामने रावण ने अपने एक एक सर को काट काट कर समर्पित किया था, और तब जाकर उनको इतनी शक्तियां प्राप्त हुई थी। लेकिन 10 सरों को काटने के बाद रावण लंका की राजधानी को बचा नहीं पाए, लंका की राजगद्दी पर कायम नहीं रह सके। तो इसलिए रावण को जो 10 सर काटकर प्राप्त नहीं हुआ, वो विभीषण को एक सर झुकाकर प्राप्त हो गया। इसलिए अपने जीवन में विविध प्रकार की शक्तियों को हम अर्जित करते हैं, लेकिन यह ना भूलें, सबसे बड़ी शक्ति है नम्रता की शक्ति। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को त्याग कर हम भगवान के चरणों का आश्रय लें, और इसके माध्यम से हम हर प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। आइए अपने जीवन में नम्रता को स्थान दें और भगवान के आदेश और इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का भरपूर प्रयास करें, और देखिए कैसे हमारे आंतरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में महान क्रांति मचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।